नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल बच्चों की शादियों में आप सब परिवारों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बच्चों की उम्र जैसा पहले समय में था, 25 साल 24 साल में लड़के लड़कियों की शादियां हो जाती थी, आज वही उम्र क्रॉस करके 30-35 से भी ऊपर जा चुकी है। कुछ लोग इस वजह से नहीं कर पा रहे शादियां, जिस कहने को किसी को लड़का समय से नहीं मिलता, किसी को लड़की समय से नहीं मिलती। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपको इसमें दिक्कत क्यों आ रही है? क्या रीजंस हैं जिस वजह से आप अपनी लड़की या अपने लड़के का रिश्ता नहीं कर पा रहे? बहुत सारी चीज़ें आप सब जितने लोग भी हैं, सब समझदार लोग हैं, आप लोगों को पूरी आइडिया है कि क्या वजहें हैं, लेकिन आप लोग उसको समझना नहीं चाहते। जिसमें सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, रिक्वायरमेंट्स सबकी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, सब को सब कुछ चाहिए, परफेक्ट चाहिए। एक अगर मैं लड़के की बात करूं तो उस लड़के को सबसे पहले क्या चाहिए, लड़की ब्यूटीफुल होनी चाहिए, अर्निंग अच्छी होनी चाहिए उसकी, यानी कि जॉब वाली हो, घर का काम भी आना चाहिए उसे। उसके अलावा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी जानती हो, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो लड़के लड़की के अंदर ढूंढते हैं। इसी तरह लड़कियां चाहती हैं कि वो लड़का जो उन्हें मिले बहुत देखने में सुंदर हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, उसमें ऐब ना हो, उसमें कोई कमी ना हो, लड़का अकेला रहता हो, इस तरह की वो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स अपने साथ जोड़े रखती हैं। ये सब चीज़ें बात गलत या सही नहीं है, पर इस चक्कर में आप लोग अपने परिवारों में जो रिश्ते हैं वो करने में चूक जाते हैं, समय निकल जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप कुंडली की वजह से छोड़ देते हैं, बहुत सारे रिश्ते आप इनकम की वजह से छोड़ देते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों की आज की डेट में, लड़कियों की मैं खास तौर से कहूँगा, रिक्वायरमेंट ये होती है कि परिवार छोटा होना चाहिए, अकेला परिवार होना चाहिए। दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। सलमान खान आज भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। बहुत छोटे से शब्दों में बताऊंगा कि उसके सलमान खान सबसे ज़्यादा 2010-2020 तक सबसे ज़्यादा अर्निंग मेंबर है, उसके बावजूद भी वो जॉइंट फैमिली में रह रहा है और अपने परिवार के साथ रह रहा है। ये एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन एक बात समझने वाली है कि जॉइंट फैमिली के बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं आपको जॉइंट फैमिली के फायदे नहीं बता रहा, पर एक क्वालिटी जो आप लड़के के अंदर ढूंढते हैं उसमें से एक चीज़ ये भी है। आप लोग कोशिश कीजिए, सबसे पहले प्रोफाइल्स के ऊपर बहुत गहराई में स्टडी कीजिए, बच्चों को मिलने दीजिए, मिलने के बाद अगर उसमें दोनों को एक दूसरे को परिवारों में कुछ, मैं कहता हूँ 10 में से 9 चीज़ें भी आपको, 8 चीज़ें भी 7 चीज़ें भी 6 चीज़ें भी समझ आती हैं, तो आप उस रिश्ते के लिए प्रोसीड करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं, बजाय बच्चों की उम्र बढ़ जाए तब आप कुछ भी सोचें या कुछ डिसीजन लें, या बच्चे सारी ज़िंदगी कवारे बैठे रहें। उससे बेटर यही है कि आप लोग बच्चों की शादी में थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाएं और शादी करने की तरफ बढ़ें। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो, पसंद आई हो, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।